इन दिनों यूपी की सियासत कुछ गरमाई हुई है और गरमाने में राकेश टिकैत की भी थोड़ी भूमिका हो गई है। ये मुख्यमंत्री साहब ने अब्बू जान कहा, अब्बा जान कहा, आपने चाचा जान निकाले, ये क्या कंपटीशन है क्या कुछ? नहीं नहीं, कंपटीशन क्या होता, कोई बाहर से हमारे प्रदेश में आया, किसी को फायदा देने के लिए आया तो उसका मान सम्मान तो रहना चाहिए ना। तो हमारी संस्कृति ये तो नहीं कहती कि हम उसको मान सम्मान नहीं उसका करेंगे। भाई उसको सम्मान से वे बुला रहे हैं तो बुलाएंगे उसको। चाचू जान ने तो कहा कि चाचू जान बीजेपी का चाचू जान उत्तर प्रदेश में आ चुका है, इनको फायदा देगा, आ गया वो। ये गांव के लोग कह रहे हैं। कौन गांव के लोग कह कौन है चाचू जान? मतलब ये ओवैसी है, हैदराबाद से कहीं से आया तो कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया है, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको फायदा देगा, इनके लिए काम करेगा, जब तक इलेक्शन रहेगा यहाँ पे आएगा, फिर कहीं इलेक्शन होगा ये चाचू जान बीजेपी का, ये परमानेंट चाचू जान है, फिर ये कहीं हो रहा जाएगा, जहाँ जहाँ इलेक्शन जाते हैं उनको फायदा देने का काम करता है। आप कई बार कहते हो कि आखिर पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, तो ये जो पॉलिटिशियन पर जो कमेंट आपके आते हैं एक शब्द वाले, चाचू जान और पता नहीं क्या क्या नारे भी आप देने लगते हो, तो क्या आपको लगता है क्या कि आपका भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में मन तो लगता ही है? पॉलिटिक्स तो देश का हर आदमी करता है। वो आदमी बताओ कि जो पॉलिटिक्स ना करता हो, जो वोट ना देता हो, जो भी आदमी वोट दे रहा है वो राजनीति कर रहा है, उसकी कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी में, संस्था में, आदि में उसका योगदान रहता है, वो उसकी विचारधारा उससे मेल खाती है, तो उसमें दिक्कत क्या होगी? पॉलिटिक्स हर आदमी को करनी चाहिए, बगैर पॉलिटिक्स के तो कुछ आजकल होता ही नहीं। तो मतलब आप भी इशारों में ही पॉलिटिक्स करेंगे? सीधे तो आपने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं है, वोट देना भी पॉलिटिक्स है, किसी को कोई चीज बता देना अपने उससे तो वो भी पॉलिटिक्स है। भाई हम भी तो इसी देश के वासिंदे हैं। तो आप कह रहे हैं क्या कि बीजेपी और ओवैसी मिले हुए? ए और बी टीम है, सब यही बताते हैं, गांव के लोग ये बताते हैं कि वो बी टीम है इनकी। अब गांव के लोग झूठ नहीं बोलते, वे तो बहुत सच्चे सच्चे आदमी होते हैं, गांव के लोग झूठ नहीं बोलते। बांटने का काम ये लोग करते हैं। हमारा था राम, हम रघुवंशी हैं, हमारा जन्म अयोध्या का है, राम परिवार से थे, इन्होंने हमारा राम बांट दिया, इन्होंने जय श्री राम कर दिया, उसका मार तो सीधा राम राम था। हम अपने गांव के लोग सब राम राम करते थे, हल चलाते थे, ले राम का ना, तो हमारे तो कण कण में राम था, इन्होंने राम को बांट दिया, तो ये देश को बांटने में इनको कितना टाइम लगेगा? ओवैसी साहब से क्यों परेशानी है? नहीं नहीं, हमने कहा, हमने तो उनकी महानता गिनवाई। बी टीम तो आपने कहा, ए बी, ये तो गांव के लोग कह रहे, मैं तो वो भाषा बोलता हूँ जो गांव के लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप जाओगे तो प्रेस वाले मिलेंगे, तो ये जरूर कहना कि और बी टीम दोनों यही हैं। तो मैं तो वो बात बताई जो गांव के ऑथेंटिक लोग, जो गांव के लोग भाषा बोलते हैं, मैं वो बात को थोड़ी सी रिफाइंड करके बता देता हूँ। मेरे पास में कुछ नहीं, मुझे जो गांव के लोग बताते हैं वे पूछते हैं हमसे कि आप शहर में जाओगे, आप मोर्चे बैठे, तो ये हमारा क्वेश्चन है, जरूर पूछना उनसे।